जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो जो हाइट वाला दिख रहा है, हाँ, जैसे उसका तर उस पर जाएगा ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा जी। तो ये ऑटोमेटिक जैसे ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ये ऑटोमेटिक जो होगा वो नीचे गिर जाएगा जैसे ही वो अंदर जाएगा ना। सर अभी भी है क्या? अभी भी है जो तेंदुआ आया हुआ है, दो बता रहे थे, कंफर्म नहीं बता रहे थे कि दो या एक ऐसे करके बोल रहे थे, पता चला है अभी? अभी क्लियर नहीं हुआ है, पुष्टि तो हुई है ना कि यहाँ पे मौजूद है? परमार्ग से पता चला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आए हैं सर्व भारती के कुटी पर और यहाँ पर अभी पता चला है कि तेंदुआ के जो पग मार्ग है वो दिखाई दिया है। अभी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि जो ये पग निशान है जो ये तेंदुआ के ही है, जिसे मैं अभी आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ और यहीं पर वो पग मार्ग मौजूद है जिसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कुछ जो वन विभाग के अधिकारी भी आए हुए थे जो बताए हुए हैं कि अभी तक किसी को भी यहाँ पर किसी को भी वो जो तेंदुआ है वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन पग मार्ग के यहां पर पुष्टि से पता चलता है कि यहां पर तेंदुआ मौजूद है। तो चलिए आइए देखते हैं ये जो पग मार्ग है कि वो किस तरह से है। ये वही पग मार्ग है जिससे यहां पर पुष्टि होता है कि तेंदुआ आए हुए हैं। अब एक है, दो है, अब ये तो नहीं कोई कहा जा सकता है, लेकिन इसमें अभी भी एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा देखा गया है कि तेंदुआ आया हुआ है और मैं अभी उनसे भी बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो किस तरह से दिखाई दिया। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीबन दो जो कुत्ते थे, पालतू कुत्ते थे, उसका निवाला भी एक बन गया है तेंदुआ का। तो चलिए देखते हैं और उनसे भी बात करते हैं। अब बात हल्की हो गई, लेकिन कुकुर के टांग के लगे बन गए जाके 24 घंटा हफल। एक बार दूसरा कुत्ता पोखियाते हुए ले गया और उस कुत्ते को लेकर भाग गया, खा गया। तो हमने जानकारी बिहान भले ना कि भाई कुकुरा ना लौटल। अच्छा, वो पालतू कुत्ते थे? दोनों पालतू कुत्ते थे। अच्छा, और यहीं पर बता रहे थे अभी कि यहाँ पर यहीं पर जो सोते थे, जिस का खेत है जिससे कि सुअर काफी परेशान कर रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पर लोग भी सोते हैं और यहीं पर देख सकते हैं जो तेंदुआ का जो पग निशान है वो यहीं पर दिखाई दिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही नजदीक है, अभी तक कोई इंसान को क्षति तो नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ दो पालतू कुत्ते जो यहीं पर बैठा करते थे और ये अभी फिलहाल बता रहे हैं कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो दोनों लोगों को ये निवाला बना लिया है। तो चलिए चलते हैं जो देखे हैं आखिरकार, जो कल के जो दो दिन में दो कुत्ते जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको निवाला बना दिया है तेंदुआ, और हम लोग उनसे जानते भी हैं कि आखिरकार जो देखे हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ये बताया जा रहा था कोई नहीं देखा है, लेकिन अभी यहाँ पर लोग हैं बता रहे हैं कि एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा देखा गया, तो उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे कि वो किस हालत में था, कैसे जा रहा था, सारी चीज़ें उनसे हम लोग पता करेंगे। अब आपको हम बताने वाले हैं कि देखिए इधर गन्ने का बहुत ही बड़ा यहाँ पर खेत है और यहीं पर बताया गया है कि जो तेंदुआ है वो वहाँ से निकलने के बाद कुत्तों को निवाला लेने के बाद ये उसी में, इसकी आशंका जताई जा रही है कि इसी में वो संभवतः हो सकता है। और इसको मैं बता दूं कि इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर उसमें अंदर पिंजरा भी लगाया गया है, साथ में एक बकरी भी रखी गई है। यहीं के गांव की एक औरत है जिन्होंने अपनी वहाँ पे बकरी की भी कुर्बानी दे रखी है कि अगर आता है उसके माध्यम से भी वो पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर तेंदुआ की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। दो दिन से वो बकरी वहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी भी आए हुए हैं, वन विभाग के अधिकारी भी आए हुए हैं जिसे मैं अभी आपको दिखा देता हूं, और साथ में यहां पर देख सकते हैं गांव की महिलाएं लोग यहां पर काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और दो दिन से अभी तक किसी को भी नहीं दिखाई दिया है, और जिनको दिखाई दिया है उनसे भी मैं अभी आप बात करूँगा। ये हैं राम अवध यादव और इनसे जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो तेंदुआ को देखा गया है वो इनके द्वारा ही देखा गया है, और इनसे जानते हैं कि पूरी घटना जो है वो किस तरह से हुआ और कैसे वो देखे, कैसे सारी चीज़ें को ये एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले आप जैसे बता रहे थे आप हमें वैसे ही जिस भाषा में बताना चाहे आप बता सकते हैं, बताइएगा। 17 जनवरी को जी रात में शाम 7 बजे पालतू कुत्ते पर अटैक किया जी। कुत्ते की आवाज़ सुनकर मैं टॉर्च लेकर के दौड़ा जी, तब तक कुत्ता को छोड़ करके वो भागा, जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट से ऊपर थी, और वो भाग करके गन्ने के खेत में चला गया।
तो आपने ध्यान से देखा ना कि हाँ तेंदुआ ही है? हम पहचान नहीं पाए कि तेंदुआ है कि शेर है। लंबाई उसकी देखा, पूंछ बड़ी लंबी थी जी, वो चेहरा था। इसके बाद में हमारे पालतू कुत्ता कुछ दिन काट दिया। फिर रहते रहते कल रात में दूसरे कुत्ता को काट दिया। सुबह कल देखे हमने 11 बजे तो कुत्ते की आधा लाश बची थी जी। वन विभाग को सूचना दिया गया, तब तक जब वन सूचना की टीम आई तब तक उस कुत्ते को पुनः जो शेष अवशेष बचा था उसको भी लेकर के गन्ने के खेत में चला गया। वन विभाग के अधिकारी भी आए हुए थे? वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए हुए थे, उन्होंने पुष्टि किया कि इसकी जो है कि पैर का चिन्ह जो है कि 11 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल है। किसी सिद्ध हुआ कि वह नर तेंदुआ हो सकता है। जिनके अभी तक किसी इंसान को कोई क्षति नहीं, इंसान को क्षति नहीं, केवल दो कुत्तों को, पालतू कुत्ते थे उनको क्षति पहुंचा दिया है, दोनों मार डाला है जी। इसमें पिंजरा रखा गया है, पिंजरे में उसमें बकरी भी है, बकरी भी है हाँ। लेकिन अब तक गतिविधि सिद्ध नहीं हो पा रही है। नहीं, आप बता रहे थे अभी कि रात के टाइम कुछ ऐसा शंका हुआ कि रात में शंका हुआ लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर पिंजरा लगाया गया है वहाँ पर लोग हैं और जो सर हैं, जो मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा चलिए दिखाइए कि जो पिंजरा है वो किस तरह से लगाया गया है, कि क्योंकि उसमें बकरी भी है तो बहुत ही डर भी लग रहा है। और लेकिन सर का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो एग्री हुए हमें वहाँ पर ले जाने के लिए। तो देखिए पिंजरा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाया गया है, यही है ना? देखिए वही वो पिंजरा है जहाँ पर लगाया गया है कि बाघ अगर आए तो चल। पिंजरा लगाया हुआ, मतलब बाहर से इसको ऊंख ऊंख से लगा दिया गया कि उसे पता ना चले। पिंजरा लगा हुआ है तो अभी देख सकते हैं बकरी का जो पिंजरा है वो अलग है और गन्ने के इस तरफ से यहाँ पर वो जाएगा यहाँ पर ठीक जी। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो जो हाइट वाला दिख रहा है हाँ, जैसे उसका तर उस पर जाएगा ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा जी। तो ये ऑटोमेटिक, जैसे ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ये ऑटोमेटिक जो होगा वो नीचे गिर जाएगा जैसे ही वो अंदर जाएगा ना। तो देख सकते हैं जो बकरी है वो भी सेफ है, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि उसका एक अलग पिंजरा है। और इसमें जैसे ही वो हाथ पैर अपना रखेगा, बाघ तेंदुआ जो भी है, वो तुरंत ये जो पिंजरा का जो ये ड्रॉ है वो नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो भी थैंक्स वाले करने के लिए व्यक्ति हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो यहाँ पर तत्पर हैं लाठी डंडे के साथ कि यहाँ पर अगर कोई आता है तो उसे भी दिक्कत ना हो और यहाँ पर सही सलामत जो पिंजरे में जो है तेंदुआ अपने सही स्थान पर चला जाए, है कि नहीं सर? तो देख सकते हैं सारी चीज़ें। थैंक, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आए और आकर के यहाँ पर पिंजड़े को दिखाया। लम्बा जाएगा।